एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज के वीडियो में हम लोग जितने भी हमारे एमसीक्यूज हैं हमारे इन्फिटी क्यू प्लेटफॉर्म में, उन सबको क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, उनका सोल्यूशन देखेंगे, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे कह रहे हैं भाई कि हाउ मेनी फ्लाइट्स हैव लैंडेड टूडे, कितनी फ्लाइट जो है वो आज के दिन पे लैंड हुई हैं। तो ये किसका पार्ट है, क्या सर्चिंग का पार्ट है, सॉर्टिंग का, ऑप्टिमाइजेशन का, डिसीजन का, या काउंटिंग का? तो हम लोग को गिनना पड़ेगा ना कि भाई कितनी फ्लाइट लैंड हुई। तो गिनने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, काउंटिंग। तो इसका मतलब हमारे इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पर, काउंटिंग। इसको मैं इधर ही लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। इस पे आते हैं सेकंड वाले पे, क्या कह रहा है कि भाई एक फ्लाइट को अगर हमें इमिडिएटली लैंड कराना है या सर्कल कराना है एयर में, तो इसको हम लोग कैसे डिसाइड करने वाले हैं। तो देखो, एक फ्लाइट है, या तो वो लैंड करेगी या तो हम उससे कह देंगे कि अभी रनवे खाली नहीं है तो तुम रुके रहो ऊपर, तुम हवा में मंडरा हो। तो ये चीज़ किस कैसी है, हमें डिसाइड करना है ना। डिसाइड करने को क्या कहते हैं, डिसीजन लेना। तो इसको क्या कहते हैं, डिसीजन प्रॉब्लम। तो इसको हम इससे जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते, कह रहा है विच रनवे इज करंटली फ्री, कौन सा रनवे समय फ्री है। तो इधर अभी हम लोग क्या करेंगे, ढूंढेंगे भाई कौन सा रनवे फ्री है हमारा। रनवे ए फ्री है, रनवे बी फ्री है। तो इसको कैसे पता करेंगे, ढूंढना। ढूंढने को इंग्लिश में कहते हैं सर्चिंग। तो ये पार्ट हो गया हमारे सर्चिंग का। इस पे आते हैं 4th नंबर पर, कह रहे हैं अमंग द मेनी फ्लाइट्स रेडी फॉर लैंडिंग द फ्लाइट विद द लोवेस्ट फ्यूल लेवल शुड बी अलाउड टू लैंड फर्स्ट, हाउ कैन इट बी डन। तो बहुत सारी फ्लाइट्स जो हैं वो हमारी लैंड होती हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे उन फ्लाइट्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है कि भाई उनको पहले लैंड करने दो जिनमें बहुत ही कम फ्यूल लेवल है, क्योंकि अगर फ्यूल बचाए नहीं तो अपने मन से जहाज ज़मीन में गिर जाएगा। तो इससे बच्चे उनको तो उतार दो। तो उनको उतारेंगे कैसे, उसके लिए हम लोग को पहले पता तो होना चाहिए कि भाई जो बहुत सारे जहाज हवा में उड़ रहे हैं तो उनमें से कौन से जहाज में सबसे कम फ्यूल है। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, जहाज़ों को उस हिसाब से अरेंज करना होगा। अरेंजिंग वाला सीन क्या होता है, उसे कहते हैं सॉर्टिंग। तो हम सॉर्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू फ्यूल लेवल उन जहाज़ों का। जिसका फ्यूल लेवल सबसे कम हो जाएगा उसको हम सबसे पहले उतरने के लिए कह देंगे कि हाँ भाई तुम उतर जाओ। 1200 लैंडिंग और टेक ऑफ जो है हमेशा होते रहते हैं एक दिन में, वो भी सिर्फ 2 रनवे में। ये कैसे हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं। तो भाई इसके लिए हम लोग क्या करें, ऑप्टिमल एक एल्गोरिदम लगा रहे हैं, कुछ ऐसा लॉजिक सोच रहे हैं कि हाँ भाई अगर ये उतरेगा तो समय दूसरे वाले में कोई टेक ऑफ कर रहा होगा, या फिर इस तरह से हमने कुछ दिमाग लगाया वहाँ पे। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये हमारा पार्ट होता है ऑप्टिमाइजेशन का। तो इस तरह से हमारे ये पहला एमसीक्यू कवर हो जाता है। सेकंड पे आता है, कह रहा है कि भाई यहाँ पे नंबर की वैल्यू 28 है। नंबर नाम का इन्होंने एक वेरिएबल बनाया सिंपल, और उसकी वैल्यू इन्होंने 28 यहाँ पे दे दिया। और नम इन रेंज 25 to 30, इसका मतलब इस लूप में नम की वैल्यू पहले होगी 25, फिर 26, 27, 28 एंड 29, ठीक है। अब मुझसे कह रहा है कि नंबर इज़ ग्रेटर देन नम, तो क्या 28 मेरा 25 से बड़ा है। पहले भाई नम की वैल्यू 25 ही होगी, तो बिल्कुल बड़ा है तो प्रिंट कर दो नम। तो मेरा प्रिंट हो गया 25। फिर मुझसे कह रहा है कि भाई क्या 28 क्या बड़ा है हमारे 26 से, तो बिल्कुल बड़ा है तो हमारा प्रिंट हो जाएगा 26 भी। फिर नम की वैल्यू हो जाएगी 27, तो क्या 28 मेरा बड़ा है 27 से, बिल्कुल बड़ा है तो मेरा प्रिंट हो जाएगा 27। देन हमारा 28 वैल्यू आ जाएगी, क्या 28 बड़ा है 28 से। यहाँ पे कंडीशन हो गई फॉल्स, हम लोग आते हैं एल्स में। एल्स में क्या कह रहे हैं, प्रिंट करो नम, नम की वैल्यू क्या है 28, तो मेरा 28 प्रिंट हो गया। तो मुझसे कह रहा है ब्रेक करो, तो मैं इस लूप से सीधा बाहर आ गया, तो मेरा क्या क्या प्रिंट हो गया, 25, 26, 27 एंड 28। तो देख लेते हैं ये कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, मुझसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई हाउ मेनी टाइम्स टीपीएफ हमारा क्या होगा, प्रिंट होगा। अब हमें ये पता करना है, तो देखते हैं। एक हमारे पास इन्होंने क्या करा है, ग्रेड लिस्ट नाम की एक हमें लिस्ट प्रोवाइड कर रखी है, जिसमें ए प्लस, ए माइनस, बी प्लस, बी माइनस बी, ये सब पड़ा हुआ वेरिएबल पड़े हुए हैं, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। हमसे कह रहा है फॉर ग्रेड इन ग्रेड लिस्ट, इसका मतलब अब ग्रेड की पहले वैल्यू क्या होगी, ए प्लस होगी, इसके बाद ए माइनस होगी, फिर बी होगी, फिर बी प्लस होगी। तो मुझसे क्या कह रहा है कि भाई आपको ये बताना है कि कितनी बार टीपीएफ प्रिंट होगा। तो टीपीएफ आके प्रिंट कौन सी लाइन में हो रहा है, इस लाइन में हो रहा है। देखो अब ये लाइन कब चलेगी, जब हमारी इफ़ की कंडीशन ट्रू होगी। तो हमें ये वाले पॉइंट को यहाँ पे चलाना है, इफ़ ग्रेड इज इक्वल टू ए प्लस, अगर ये चल जाता है तो टी एफ हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो आप ये बताओ लिस्ट को देख के कि इसका मतलब है जहाँ जहाँ पे हमारा ए प्लस होगा वहाँ वहाँ पे क्या होगा, हमारा ये कंडीशन ट्रू होने वाली है। तो ए प्लस कहाँ है, यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो कितनी बार हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 3 बार। तो 3 बार हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा टीपीएफ। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 3। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, हमसे कह रहा है कि भाई हाउ मेनी टाइम्स एग्जीक्यूटेड विल बी प्रिंटेड। तो देखते हैं यहाँ पे वेरिएबल वन क्या है, हमारे लूप को कंट्रोल कर रहा है, इसकी रेंज है 1 से लेके 5 तक। एंड यहाँ पे हम हर बार कर क्या रहे हैं, यहाँ पे एक एक वैल्यू को यहाँ पे घटा रहे हैं, -1 कर रहे हैं। फिर आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये मुझसे क्या कह रहा है कि भाई व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। तो यहाँ पे ए में वैल्यू पड़ी है हमारे -10, फिर यहाँ पे बी में -200,
यहाँ पे 2000, एनडी में 4000। ये मुझसे कह रहा है ए इंटू बी, ए इंटू बी क्या है, यहाँ से हमारा देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2000 आ जाएगा। क्या 2000 मेरा बड़ा है 4000 से? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मेरा पूरा पूरा जो इफ स्टेटमेंट था ये कट गया। अब हम इसके बाद एल्स में आ जाएंगे। एल्स में क्या कह रहा है, बी अपॉन ए निकालो। बी अपॉन ए कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि -200 अपॉन -10, तो ये आ जाएगा मेरा 20। तो कह रहा है क्या 20 मेरा बड़ा है 0 से, कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आ गए। इफ ए इज लेस देन बी, क्या ए कम है बी से? तो देखो क्या -10 कम होता है -100 से, ऐसा -200 से? ऐसा तो नहीं है भाई, बड़ा होता है। तो ये कंडीशन भी हमारी क्या हो गई, गलत हो गई। और इसके हम एल्स पे आए, एल्स में प्रिंट कर दिया 44, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 44। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुझसे कह रहा है यहाँ पे तीन मुझे कोड दिए गए हैं, और कह रहा है इन तीनों कोड में ये बताओ कौन सा कोड सिमिलर है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके इन दोनों कोड को कंपेयर करते हैं। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक कंडीशन में कि क्या अगर वैल्यू 3 > 1000 से एंड वैल्यू 3 > 1006 से। तो देखते हैं कोड नंबर 2 में कैसा लिखा है। वैल्यू 3 अगर बड़ी है या बराबर है 1000 है, कि वही बात हो गई कि मैं कह रहा हूँ बड़ा है 1000 से, इसका मतलब 1001, 1002 यही सब वैल्यूज आएंगी। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1001, तो वही बात हो गई, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1000, मतलब 1001 भी, 1002 भी, एंड इसके बाद जितने भी हैं वो सब। फिर मैंने यहाँ पे बोला कि वैल्यू 3 इज लेस देन 1006, तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है। देखो लेस देन 1006 मतलब 1005 तक होगा, 1006 इंक्लूड नहीं होगा। और वही मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि लेस देन इक्वल टू 1005, तो यहाँ तो बिल्कुल सेम चीज़ लिखी हुई है। अंदर आते हैं, ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई, यहाँ से यहाँ तक जो है बिल्कुल सेम चल रहा है कोड 1 और कोड 2। इफ वैल्यू 1 इज इक्वल टू ए बी सी, इफ वैल्यू 1 इज इक्वल टू ए बी सी का मतलब है यहाँ पर चेक करेंगे कि अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है ये वाली, एंड देन ये वाली कंडीशन ट्रू है, एंड देन इसके बाद ए बी सी भी होता है। अगर वैल्यू 1 की वैल्यू ए बी सी है, तो देख लेते हैं तीसरी कंडीशन यहाँ पे लिखी है एंड वैल्यू 1 इज इक्वल टू ए बी सी, बिल्कुल सही बात है लिखी है। तो क्या करो कुछ काम कर दो, ये जो कुछ काम है ये पूरा देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही, मतलब यहाँ तक तो ये दोनों कोड 1 और कोड 2 बिल्कुल सेम है। फिर ये मुझसे कह रहा है कि एलिफ वैल्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, इसका मतलब इस एलिफ के लिए पहले इस इफ को सही सही होना पड़ेगा, इसके बाद ही ये एलिफ चलेगा। तो इसकी वैल्यू उठा लो, वैल्यू 3 इज ग्रेटर देन 1000 एंड वैल्यू 3 इज लेस देन 1006। तो देखो वैल्यू 3 इज ग्रेटर देन 1000 एंड वैल्यू 3 इज लेस देन 1006 एंड वैल्यू 1 इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये यहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो एंड वैल्यू 1 इज इक्वल टू एक्स, मतलब बिल्कुल सही लिखा है। तो इस केस में इन्होंने ये काम करा है, एंड हम देखते हैं ये चीज़ जो है हमारे कोड 1 में है कि नहीं। तो कोड 1 पे देखो, कोड 1 में बिल्कुल सिमिलर चीज़ लिखी हुई है। देन इसके बाद प्रिंट वैल्यू 4 एंड प्रिंट वैल्यू 4, इसका मतलब पहला और दूसरा ही हमें यहाँ पे सेम मिल गया कोड। तो मेरे ख्याल से तीसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में कोड 2 एंड 3 गलत हो जाएगा, 1 एंड 3 गलत हो जाएगा, 1 एंड 2 हमारा सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। मुझसे कह रहा है कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगी num1 एंड num2 की, अगर हमें आंसर 1 चाहिए। आंसर अगर 1 चाहिए मतलब हमें ये वाली कंडीशन को ट्रू करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी पर ध्यान देते हैं। मुझसे क्या कह रहे हैं num1 अपॉन num2 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब जब नंबर को नंबर से डिवाइड करूंगा आंसर 5 आना चाहिए। तो ऑप्शन देख लो पहले क्या है, कह रहा है कि 11 और 2, जब नंबर की वैल्यू 11 होगी और 2 नंबर की वैल्यू 2 होगी, तो कभी भी 5 तो हमारा नहीं आएगा, इसका मतलब हमारा ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। इस पे आते हैं, नंबर इज इक्वल टू 0, नंबर इज इक्वल टू 5, तो 0.5 कभी हमारा 5 नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। 5 अपॉन 1 इसका आ सकता है, नंबर की वैल्यू 5 ले लो और नंबर की वैल्यू 1 ले लो, तो 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 5, सही बात है। 5 + 1 इज ग्रेटर देन 5, बिल्कुल सही बात है, तो प्रिंट कर देगा 1, इसका मतलब हमारा यही क्या हो गया, आंसर हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 ये वाला। फिर आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है भाई आउटपुट बताओ इसका, नंबर में वैल्यू पड़ी है हमारे 100, नंबर 2 में 200, नंबर 3 में 6। मुझसे कह रहा है क्या 5 बड़ा या बराबर है 6 के, तो ऐसा तो नहीं होता है, तो इसका मतलब ये मेरा इफ जो है पूरा खत्म हो गया। हम लोग एलिफ पे आते हैं, कह रहे हैं नंबर क्या बड़ा है बराबर है 100 के, तो देख लेते हैं नंबर वैल्यू पड़ी 100, तो क्या 100 बड़ा है बराबर होता है 100 के, बिल्कुल सही बात है। नम टू क्या बड़ा है 150 से, तो नम टू 200 है, तो क्या 200 बड़ा होता है 150 से, बिल्कुल है, तो प्रिंट कर देगा 2। अब अगर एलिफ मेरा चल गया है तो मेरा एल्स नहीं चलेगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुझसे क्या कह रहा है कि भाई आइडेंटिफाई द बुलियन एक्सप्रेशन विच विल रिजल्ट इन ट्रू, तो देखते हैं ट्रू हमें कहाँ कहाँ मिलेगा। यहाँ पे दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहा है, तो ये दोनों तो सेम नहीं है, तो यहाँ पे आंसर मिलेगा फॉल्स। यहाँ पे आते हैं, कह रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स, एंड के केस में दोनों साइड पर ट्रू होना चाहिए, तभी आंसर ट्रू आता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक साइड ट्रू है एक साइड फॉल्स है,
तो हमें मिल जाएगा फॉल्स, और नॉट और फॉल्स हो जाएगा हमारा ट्रू, तो हमें यहाँ पे सेकंड नंबर पे ट्रू मिल रहा है। ये कह रहा है लैंडेड इज इक्वल इक्वल टू लैंडेड, तो यहाँ से हमें मिल जाएगी वैल्यू ट्रू। एंड मुझसे कह रहा है फ्लाइट इज इक्वल टू F101, तो यहाँ पे दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर दिया जाएगा फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स हमें मिल जाएगा फॉल्स, और नॉट और फॉल्स हो जाएगा मेरा ट्रू, तो यहाँ पे तीसरे पे भी हमें ट्रू मिल रहा। वन इज इक्वल इक्वल टू वन, यहाँ से मिल जाएगा मुझे ट्रू। एंड ये मुझसे कह रहा है वन इज इक्वल टू वन, यहाँ से मिला ट्रू। ट्रू के बाद और लगाए, और के केस में अगर एक भी ट्रू है तो हमें इस पूरे का आंसर क्या मिल जाएगा, ट्रू, और नॉट ऑफ ट्रू हो जाएगा हमारा, इसका आ जाएगा फॉल्स। ये कह रहा है ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स का आ जाएगा फॉल्स, तो मतलब सेकेंड और थर्ड में ही हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, मुझसे कह रहा है कि भाई आइडेंटिफाई द बिलो एक्सप्रेशन विच रिजल्ट इन फॉल्स, इसमें किसमें वैल्यू फॉल्स आने वाली है, ट्रू एंड ट्रू ये मुझे वैल्यू ट्रू देगा, फॉल्स एंड ट्रू ये मुझे देगा फॉल्स, तो मतलब सेकंड नंबर से मुझे फॉल्स मिल रहा है। वन इज इक्वल टू वन, यहाँ ट्रू है, टू इज इक्वल टू वन, यहाँ है फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स, तो यहाँ आ गया फॉल्स। मुझे किसको निकालना था, जो रिजल्ट करेगा फॉल्स पर, ठीक है, तो यहाँ से मुझे 3 भी मिल गया। वन इज इक्वल टू वन, बिल्कुल सही बात है, टू इज नॉट इक्वल टू वन, सही बात है, तो ये मुझे दे देगा ट्रू। यहाँ आते हैं ट्रू एंड इससे मुझे मिल जाएगी वैल्यू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू मुझे मिल जाएगा ट्रू, तो इसका मतलब सेकंड और थर्ड ही ऐसे हैं जो मुझे यहाँ पे फॉल्स दे रहे हैं, बाकी सारे ट्रू दे रहे हैं, तो सेकंड और थर्ड मिला, यहाँ पे आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे इसका आंसर बताओ, देखते हैं सॉल्व करते हैं। नम वन वैल्यू 50 है, नम टू में 2, नम थ्री में 3, नम चार में 8, देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे ये एक्सप्रेशन चलानी है, सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, डिवाइड का है, मल्टीप्लाई का है, प्लस का है, डिवाइड का यहाँ पे और मल्टीप्लाई का सेम प्रेसिडेंस होता है, तो जो पहले आके उसको सॉल्व करेंगे। नम वन अपन नम फोर करो कितना आएगा, 50/8, तो अराउंड 8 6 या 48, 6 point something, 8 2 16 ऐसे कुछ करके आएगा, ठीक है। फिर ये वो माइनस नम थ्री की वैल्यू क्या है, 3 × नम टू की वैल्यू है 2 + नम 4, ये अब ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे देखो माइनस है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, तो यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा, तो क्या हो जाएगा 6.2 − 3 2 = 6 + 8, तो अब देखते हैं 6.2 − 6.2 something आ जाएगा प्लस 8, तो मतलब आंसर मेरा आ जाएगा 8.2 के आसपास कहीं पे। अब यही मेरा आंसर आना चाहिए, रिजल्ट में हम लोग प्रिंट कर दे रहे हैं, देख लेते हैं 8.2 के आसपास कोई आंसर आ रहा है, तो 8.25 आ रहा है, मतलब यही हमारा क्या सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे बड़ा बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, मैं पढ़ देता हूँ पहले। कह रहा है यहाँ पे ये कुछ गिवन वैल्यूज हैं, फिर कह रहा है कि आउटपुट बताइए इसका, ये कह रहा है कि क्या आएगा यहाँ पे, चार यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए, चलो इसको पहले सॉल्व ही कर लेते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं। ये मुझसे कह रहा है कि नम वन में वैल्यू पड़ी है तुम्हारे 10, नम टू में पड़ी है 5, ये लिखा है नम टू इज इक्वल टू नम वन, इसका मतलब होता है नम टू इंटू नम वन, इसका मतलब ये है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। नम टू में क्या आ जाएगा, नम टू की वैल्यू पड़ी है 5, नम वन की पड़ी है 10, तो 5 × 10 आ जाएगा हमारा 50, तो नम टू में आ गया 50, हम प्रिंट करें नम टू, तो मेरा आंसर आ जाएगा 50, तो मेरा यही है सही है, तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे 5 वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू हमें दी गई है, यहाँ पे ये देखो नम वन से लेकर नम 5 तक, कह रहा है यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है उसको कैलकुलेट करो, फिर कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी एक्सप्रेशन है जो हमें सेम आंसर देने वाली है, तो पहले तो इसका आंसर निकाला जाए कि इसका आंसर क्या आने वाला है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज आपके सामने हैं, नम वन इज इक्वल टू नम 5, तो 10 = 10, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ से आ गया मेरा ट्रू, ये आ गया मेरा ट्रू। एंड नम टू माइनस नम 4 × नम 3, तो यहाँ पे नम 4 × नम 3 हमारा पहले सॉल्व होगा, तो देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा नम 4 × नम 3 मतलब 2 × 0, तो 0 हो जाएगा, नम 2 − 0, 5 − 0 आ जाएगा 5, यहाँ आ गई मेरी वैल्यू 5, फिर इधर आते हैं यहाँ से आ गया 5, फिर नम 2 − नम 3, तो 5 − 0 यहाँ भी आ गया 5, 5 = 5, यहाँ से मिल गया ट्रू, यहाँ से मिल गया ट्रू, तो ट्रू एंड ट्रू मेरा आंसर आ रहा है ट्रू, तो फाइनली मुझे अगर नीचे कोई भी एक्सप्रेशन 2 दे रही है तो वही मेरा आंसर आ गया, चेक कर लेते हैं। चलो सबसे पहले तो मैं इसको चेक करूँगा, ये वैल्यू को, हमेशा रैंडम उठाने में ज़्यादा फायदा होता है, देखते हैं नम 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू नम 4, ये चेक करना है पहले, तो देखते हैं नम 5 क्या बड़ा है और नम 4 से, तो 10 बिल्कुल बड़ा होता है 2 से, सही बात है, तो यहाँ आ जाएगा मेरा ट्रू, एंड नॉट और ट्रू हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स, और लगाए और फिर नम 4 + नम 2 कितना होता है भाई, नम 4 + नम 2 मतलब 2 + 5 मतलब 7, अब देखते हैं 7 क्या मेरा बड़ा है नम 1 से,
और नंबर की वैल्यू क्या है, 10 है, क्योंकि 7 का बड़ा है इससे तो नहीं है, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। फॉल्स और फॉल्स की वैल्यू आ जाएगी फॉल्स, बट हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए ट्रू। तो ट्रू के लिए अब हम लोग रेंडमली इसको उठा लेते हैं, पहले वाले को। कह रहा है ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तो नम 4 इंटू नम 3, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा नम 4 इंटू नम 3 आ जाएगा यहाँ पे 2 0 0, और नम 2 माइनस 0 मतलब 5 माइनस 0, तो इस साइड आ गया मेरा 5। 5 इज़ लेस देन एंड इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे ब्रैकेट पहले सॉल्व होंगे, तो नम 2 माइनस नम 4 देख लेते हैं, तो आ जाएगा 5 माइनस 2 तो आ जाएगा 3, 3 इंटू नम 3, और नम 3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, 3 इंटू 0 मतलब 0, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ऐसा तो नहीं, यहाँ भी आ गया फॉल्स। अब उठाते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरे वाले को, तो ये मुझसे कह रहा है नम 3 क्या बड़ा या बराबर है नम 4 के, देख लेते हैं, तो 0 क्या बड़ा या बराबर है 2 के, ऐसा तो नहीं होता इन दोनों से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉल्स आ जाएगा, और फॉल्स का नॉट क्या होता है ट्रू, तो यहाँ पे आ गया ट्रू, यहाँ लगा है हमारा एंड। नम 5 अपॉन नम 2 करेंगे तो देख लेते हैं क्या आता है, नम 5 अपॉन नम 2 मतलब 10 अपॉन 5, सो आंसर आ जाएगा हमारा 2। फिर कह रहा है 2 क्या बराबर होता है 2 के, यहाँ से आ गया 2, नम 4 की वैल्यू 2 है, क्या 2 बराबर है 2 के, बिल्कुल, तो यहाँ से आ गया हमारा ट्रू। ट्रू एंड ट्रू से मुझे मिल जाएगा ट्रू, तो मेरा ऑप्शन नंबर सेकेंड ही यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, तो मेरा ये आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भाई सपोज यू हैव अ बैंक अकाउंट नंबर, व्हाट डू यू थिंक विल बी इट्स डेटा टाइप। तो अगर बैंक अकाउंट नंबर इतना बड़ा है तो इसका डेटा टाइप क्या होगा, तो पहला दिया है इंटीजर। अब हम जानते हैं इंटीजर में शुरुआत में कभी यहाँ पे जीरोज नहीं आते हैं, तो ये तो हमारा सेव ही नहीं हो पाएगा, तो ये तो नहीं होने वाला। स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, क्योंकि हम स्ट्रिंग में कोई भी नंबर लिख सकते हैं, मतलब जो भी हम चाहें ऐसे, ठीक है, तो ये हो सकता है। फ्लोट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो डॉट नहीं लगा, डेसिमल मतलब ऐसा नहीं लिखा है, 0.25 ऐसा कुछ नहीं लिखा है इस पूरे पे, तो इसका मतलब फ्लोट भी नहीं होगा, तो स्ट्रिंग ही हमारे पास ऑप्शन बचा, तो ये हमारा क्या आंसर है। कह रहा है इसका आंसर बताओ, कह रहा है इनपुट काउंटर, ठीक है, तो कह रहा है हमने काउंटर की वैल्यू इनपुट दी है 1, तो मैम काउंटर की वैल्यू अभी क्या है, मैंने कह दिया 1 है। कह रहा है क्या 1 मेरा लेस देन 5 है, बिल्कुल है, तो क्या करो काउंटर की वैल्यू 1 बढ़ा दो, तो काउंटर की वैल्यू हो गई 2। फिर कह रहा है डिस्प्ले करो काउंटर, तो मेरा प्रिंट हो गया 2। फिर कह रहा है दोबारा लूप चलाएं, क्या 2 मेरा कम है 5 से, यहाँ पे है क्या 2 मेरा कम है 5 से, बिल्कुल, तो काउंटर की वैल्यू बढ़ा दो, तो वैल्यू हो गई 3। कह रहा है उसको प्रिंट कर दो, तो मेरा प्रिंट हो गया 3। फिर 3 क्या मेरा कम है 5 से, मैं दोबारा इधर आया, 3 क्या कम है 5 से, बिल्कुल है, काउंटर की वैल्यू बढ़ा दो, हो गई 4। कह रहा है उसको प्रिंट कर दो, मेरा आ गया 4। इसके बाद मैं दोबारा ऊपर आता हूँ, यहाँ पे दोबारा चेक करता हूँ, क्या मेरा 4 कम है 5 से, बिल्कुल है, तो काउंटर की वैल्यू कर दो 5 और उसको प्रिंट कर दो, मैंने प्रिंट कर दिया। और दोबारा यहाँ पे आएंगे, इस कंडीशन चेक करेंगे, इस बार 5 इज लेस देन 5, ऐसा पॉसिबल नहीं, तो हमारा वाइल लूप खत्म हो जाएगा। तो 2 3 4 5 मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा क्या है, बिल्कुल सही है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुझसे कह रहा है कि नम 1 की वैल्यू 5 है, नम 1 की वैल्यू 5 है, नम 2 की वैल्यू 6 है, कह रहा है सॉल्व करो, 5 इज लेस देन 6 सही बात है ट्रू, क्या 5 इज नॉट इक्वल टू 6 बिल्कुल सही बात है ट्रू, ट्रू एंड ट्रू मुझे मिल जाएगा ट्रू। मुझसे कह रहा है इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन जो है आप कौन सा ट्रू दे रही है, तो मैंने कहा पहली तो मुझे दे रही है, दूसरे को देखते हैं क्या 6 बड़ा है या बराबर है 5 के, तो सही बात है, यहाँ से मिला ट्रू, और के केस में इसको चेक ही नहीं करते, क्योंकि एक भी ट्रू मिल गया तो आंसर ट्रू ही आना है, तो यहाँ भी हमें मिल गया आंसर ट्रू, मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी हमें ट्रू दे रहा है। नम 1 इज इक्वल टू नम 2, क्या 5 बराबर है 6 के, ऐसा तो नहीं है, और नॉट मतलब ऐसा नहीं, मतलब यहाँ आ जाएगा फॉल्स, और नॉट ऑफ फॉल्स हो जाएगा ट्रू, मतलब हमारा तीसरा भी हमें क्या दे रहा है ट्रू दे रहा है, तो हमारे तीनों सिचुएशन हमें क्या दे रही है ट्रू दे रही है, तो 1 2 3 का यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ऑल द गिवन ऑप्शन, तो ये हमारा क्या हो गया सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे नम 1 और नम 2 की वैल्यू 5 एंड 6 दी है, 5 एंड 6, ठीक है, 5.6 मैं यहाँ लिख देता हूँ। कह रहा है 5 के लेस देन 6 है ट्रू है, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 6 है ट्रू है, क्या 5 बड़ा है 6 के फॉल्स है, कह रहा है क्या 5 बड़ा या बराबर है 6 के फॉल्स, क्या 5 इज नॉट इक्वल टू 6 ट्रू, तो यहाँ पे मेरा 1 2 एंड 5 ये ट्रू दे रहे हैं, तो 1 2 एंड 5 देख लेते हैं, 1 2 एंड 5 यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे नम 1 की वैल्यू 5 है, नम 2 की वैल्यू 6 है, ठीक है, मुझसे कह रहे हैं इसको सॉल्व करो, 5 एंड 6 है, तो 5 प्लस 6 कितना 11, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, 5 माइनस 6 माइनस 1, 5 इंटू 6 30, ठीक है, 5 अपॉन 6 0 आ जाएगा,
फाइव मॉड सिक्स मतलब रिमाइंडर निकालो, फाइव को डिवाइड करो सिक्स से, रिमाइंडर क्या आएगा, फाइव ही आएगा, अच्छा फाइव, तो यही हमारा ये भी सॉल्व हो गया। तो इसी तरह से हमने क्या करा, अपने सारे के सारे जो एम सी क्यूज हैं अराउंड 10 से 15, शायद 15 17 हम लोगों ने एम सी क्यू जहाँ पे आज सॉल्व करे हुए हैं, तो इन सब के सोल्यूशन में अगर आप कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक स्टेप यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताई हुई है।